नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदेव और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइंस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी की ही बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फूड, यानी कि हमारा खाना। हम सभी तीन टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। पर क्या हमने कभी नोटिस किया, क्या हम जो ये खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, हम किस प्रकार से खाना खा रहे हैं? यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का सवाल उठता ही नहीं है। हिटलर करोड़ों लोगों को मारने वाला एक वेजिटेरियन था। मोहम्मद साहब मुसलमान के पैगंबर, वो मांस खाते थे और वो एनलाइटन थे। तब क्या कहेंगे, वेजिटेरियन सही है कि नॉन वेजिटेरियन सही है? मैं कहता हूँ दोनों सही हैं। पर अगर आपने खाने का जो तरीका है उसे कैसे चूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पेट को एक फैक्ट्री की तरह मान लीजिए, जहाँ पर दिन रात कुछ ना कुछ काम होता रहता है, उसको रोज़ नया काम मिलता है और थोड़े टाइम के बाद वो रिपेयर होकर फिर नया काम शुरू कर लेता है। सुबह आप अपनी फैक्ट्री में कुछ सामान लेकर आते हैं, यानी कि आप नाश्ता करते हैं। अब दोपहर तक आते काते जो आपके वर्कर हैं उस खाने को पचाने में लगे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अभी वो थक कर बैठे ही थे कि मालिक ने दूसरा कंसाइनमेंट भेज दिया, दोपहर का खाना आ गया। दोपहर का खाना पचाते पचाते सोचा था कि यार चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। 3 बजे की चाय आ गई, चाय के साथ स्नैक समोसे पूड़ियाँ फिर से खा लिए। अब उनको फिर से ओवर टाइम करना पड़ रहा है। दोपहर के खाने को तो पचाना ही था, अब 3 बजे के खाने को भी पचाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से अगर वो भी उस दिन पचा लिया होता 7-8 बजे तक, तब एक कंसाइनमेंट और आ गया, रात का खाना। अब रात का खाना आपने पूरा ठूस ठूस के खा लिया, तब उन वर्कर्स को आराम कहाँ मिला? सारी रात वो आपके टिश्यूज जो आपके डैमेज थे उनको पहले तो पचाने में लग गया खाना, उसके बाद जो आपका टिश्यूज थे उनको रिपेयर करने में लग गया। अब जो उसका असली काम है वो आप काम उससे क्या हाँ ले रहे हैं? उसकी जो असली कैपेबिलिटी है उन मजदूरों की, वो है आपको परमात्मा तक मिलाना। पर आपने उनको उस काम के बजाय आपने उनको एक वर्कर का काम दे दिया। सारा दिन आप काम करते रहिए और एक दिन थक कर वो वर्कर घर छोड़कर चले जाएंगे, यानी कि वो आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम सारा दिन सिर्फ और सिर्फ खाना खाते रहते हैं और उसके प्रति हम कभी अवेयर हुए ही नहीं। खाना खाते वक्त हम या तो टीवी लगा लेते हैं या अपने मोबाइल में घुस जाते हैं, और कब खाना हमारे निवाले में से होकर, हमारे मुंह से होकर कब हमारे पेट में चला जाता है हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम खाना खाते हैं सोए सोए, कोई भी हम काम करते हैं सोए सोए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम अवेयर होकर भी खाना खा सकते हैं। खाने की थाली आपके सामने आ गई है पर आपका ध्यान कहीं और है। टीवी में डिबेट चल रहा है, न्यूज़ चैनल का एंकर और लोग वहाँ पर गेस्ट बुलाए हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। न्यूज़ क्या है, लड़ाई झगड़ा। कोई फिल्म लगा ली, साउथ की मूवी लगा ली, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार धर चल रही है। ऐसा खाना आप इनटेक कर रहे हैं तो सोचिए आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो कैसे होंगे। यकीनन लड़ाई झगड़े वाले थॉट्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे जो खाना खाया उसमें जो थॉट्स थे वो लड़ाई झगड़े के थॉट मिक्स होकर आपके पेट के अंदर आए और आपको जो सेल्स थे वो लड़ाई झगड़े वाले ही बने। अब आप यहाँ पर सोचिए, एक खाना इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके थॉट्स को बनाता है और बिगाड़ता है, वहीं दूसरी तरफ आप खाना शांति के साथ खाइए, चुप होकर खाइए, आराम से खाइए, उसको पूरे अवेयर होकर खाइए, तब आपको पता लगेगा आपने खाना खाया है।
एक एक निवाला आप तोड़कर अपने मुंह में खा डालते हैं तब आपको पता चलता है वो निवाला कैसा था, गर्म था, ठंडा था। अब आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके गले से भीते नीचे उतर रहा है। दूसरी तरफ खाने को खाइए तो कृतज्ञता के भाव के साथ खाइए, यानी कि परमात्मा का शुक्र कीजिए कि आपको उस प्रभु ने दो टाइम की रोटी दी है। कई लोग हमने देखे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, पानी पीकर गुजारा करते हैं, उनके पास दो टाइम की रोटी खाने का भी समय नहीं है, पैसे नहीं हैं। मैं अमीरों की भी बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ। अमीर पैसा कमाने में इतना बिजी है कि उसे अपने खाने का होश ही नहीं। गरीब इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि उसको अपनी रोटी का जुगाड़ ही नहीं कर पाता। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको भगवान ने दो रोटी खाना के लिए दी है। अब खाना खाने का समय के बारे में बात करते हैं। खाना हो सके तो दिन में सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही खाइए। रात का खाना बिल्कुल मिस कर दीजिए, क्योंकि रात को अगर आप खाना बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आलस आएगा और शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। वहीं अगर आप रात का खाना बिल्कुल लाइट खाते हैं तो आपका शरीर भी फिट रहेगा और कोई जो बीमारियां आपको लगती हैं मोस्टली खाने की वजह से लगती हैं। तो अपने खाने के प्रति ध्यान दीजिए, उसे कृतज्ञता के भाव के साथ खाइए, धीरे धीरे खाइए, अवेयर होके खाइए, और यकीनन जब आप ऐसा करेंगे और कम खाइए, ज़्यादा खाना खाने से आलस आएगा, इमोशनल और सेक्सुअल थॉट्स, आपके इमोशनल और सेक्सुअल सेंटर जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ये एक जन्म की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात नहीं है, ये कुछ सालों की बात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आपका मन शांत हो पाएगा, आपका दिमाग शांत हो पाएगा। मन और दिमाग शांत होगा तभी आप उस परमात्मा के साथ एकमिक हो सकेंगे। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप दूसरे पॉडकास्ट के ऊपर हमें देख रहे हैं जैसे खबरी या स्पॉटिफाई के ऊपर, तो वहाँ पर जाके भी हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।